अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे मटन का कीमा। मटन का कीमा बनाने के लिए मैंने 1.25 किलो ये मटन का कीमा ली हूँ, और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी प्याज, जो हमने 3 प्याज कटिंग करके लिए हैं, ये भी मैं इसके अंदर ही ऐड करूँगी। इसमें और इसके अंदर हम अदरक लहसुन हरी मिर्ची का मसाला भी ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने प्याज भी ऐड करी हूँ। प्याज को मैं लाल नहीं करूँगी, ऐसा ही बनाऊँगी। ये खीमा भी बहुत अच्छा बनता है। और इसके अंदर अदरक लहसुन हरी मिर्ची को मैंने पीस के रखी हूँ, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे 1 चम्मच, नमक ऐड करेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, गरम मसाला पाउडर भी मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं टमाटर भी नहीं डालूंगी, ये देखो। अब इसको हम कुकर में ऐड करेंगे। ये कुकर हमने रखे हैं गरम इधर, इसके अंदर हम तेल अपने हिसाब से ऐड करेंगे। बस अब तेल गरम होएगा तो हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। तेल हमारा गरम हो गया, अब इसके अंदर हम इसकी मैं 3 सीटी बजाऊंगी, फिर इसके बाद में बंद करके हम इसके अंदर थोड़े वटाने भी डालेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा भी धनिया पाउडर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। अब इसको हम 3 सीटी बजा देंगे। ये खीमा बहुत अच्छा बनता है और कम टाइम में बन भी जाता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। हमने 3 सीटी बजा ली इसके अंदर और अब हमारा कीमा हो गया होगा। ये देखो, इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाले थे, ये कीमे के ही पानी से गल गया, माशाल्लाह। देखिए अब इसके अंदर मैं इतने मटर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अभी हम सीटी भी बजाएंगे, बाद में हम इसमें कोथमीर भी ऐड कर देंगे। और अब इसको हम रखेंगे इसके ऊपर भूनने के लिए।